एक बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर पसरा है सन्नाटा। आंदोलन के नाम पर खानापूर्ति के लिए कुछ लोग और तंबू मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर से घर लौट चुके हैं किसान। भीड़ कम होने की वजह से सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी कम हुई, तो आंदोलन के नाम पर बस बचे हैं तंबू और वापिस जा चुके हैं किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी कम हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाली होने लगा है गाजीपुर बॉर्डर। सिर्फ खाली टेंट ही वहां आपको देखने को इस वक्त मिलेंगे और पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम गाजीपुर के सीमा पर हैं और यहाँ पे सीधे तौर पे हम आपको उस इलाके को दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे किसान आंदोलन करने के लिए बैठे हुए, कथित किसान जो कहते हैं कि वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से आपको दिखाना चाहते हैं कि गाजीपुर में जहाँ टेंट ही टेंट नजर आते थे, जहां पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पे देखिए कि किस तरीके का नजारा है जो आपको साफ देखने को मिलेगा। और मैं इधर भी नजारा दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पे कई दूर तक यहाँ पे टेंट हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो टेंट है वो कम होते हुए लगातार नजर आ रहा है। हालांकि बैरिकेड अभी भी लगे हुए हैं, यहाँ भी बैरिकेड लगे हुए हैं और इस पूरे सड़क पे जो गाड़ियों का आना जाना वो लगभग कम कर दिया गया है। यहाँ कई किसान जरूर आंदोलन करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है कई किसान वो अपने घर वापस जा रहे हैं और इस घर वापसी को लेकर राकेश टिकैत ने बयान भी दिया था कि घरों में शादी ब्याह है इसलिए किसान जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड अभी भी लगा हुआ है। हालांकि इस आंदोलन की दिशा और दशा किस तरीके से भटकी है वो लगातार हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब गर्मी आ रही है, अब एसी कूलर की बातें हो रही है, अब उन संसाधनों को जुटाने की बात हो रही है जिसके बदौलत किसान यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे वो लोग तय करेंगे। लेकिन अब जो है ये इस आंदोलन को 2 अक्टूबर तक बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल आपके सामने ये चीज है कि किस तरीके से ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़ेगा और 2 अक्टूबर तक रहेगा या नहीं रहेगा, संवाद होगा या नहीं होगा, क्या कोई सार्थक समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पे जरूर सवाल हो रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारी सहयोगी नेहा भी मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, जिनकी रिपोर्ट आपने इस वक्त देखी, पूरी तरह से सन्नाटा है और किसान वापिस जा चुके हैं। नेहा, इस वक्त क्या सन्नाटा है, क्या पूरे किसान वापिस चले गए, अभी भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं वहां? देखिए कुछ गिने चुने वैसे किसान नजर आएंगे लगातार आपको, खास तौर पे वो बुजुर्ग जरूर नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो इमोशनल प्ले है राकेश टिकैत का, उनके उस चालबाजी में जो लगातार फंस रहे। देखिए इसलिए लगातार हम एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बरगलाना या किसी को बहकाना, राकेश टिकैत बुजुर्गों का या वैसे लोगों के दिमाग को जरूर बरगला रहे जो कहीं ना कहीं बड़े इमोशनल है, बहुत भोले होते हैं। जो याद कीजिए रमन गाजीपुर में जिस दिन सभी चीजें खत्म होने वाली थी, उनके एक आंसू किस तरीके से भीड़ को लाने की कोशिश किया था। बेशक भीड़ आई थी, लेकिन जब उस भीड़ को, उन लोगों को वो सच्चाई पता चली कि जो यहाँ पे अब जो गाजीपुर फोरम बन चुका है वो पॉलिटिकल डिस्कशन का फोरम बन चुका है, वहां कोई आंदोलन नहीं हो रहा, वहां कोई सवालों के लिए नहीं वहां बैठता है, क्योंकि राकेश टिकैत, देखिए राकेश टिकैत लगातार अलग अलग राज्यों पे जाते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं, फिर महापंचायत करते हैं और वही पॉलिटिकल लीडर उनको लगातार जो है। बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि जो राकेश टिकैत लगातार अब तक ये कहते रहे कि ये आंदोलन गैर राजनीतिक है, वो राकेश टिकैत कैसे राजनीति का कंधा थाम रहे हैं सबने देखा है। क्यों ना हम कहें कि अब इस आंदोलन को राकेश टिकैत ने पूरी तरह राजनीति को ही गिफ्ट कर दिया है, लिहाजा अब किसान उनके साथ नहीं नजर आ रहा। नेहा, बिल्कुल, देखिए किसान उनके साथ नजर भी नहीं आ रहा है, किसान उनके साथ कहीं से भी कंधा से कंधा मिला के चलते हुए नजर नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैं बता रही हूँ जो लोग यहाँ पहुंच रहे वो साफ और सीधे तौर पे समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो है अब राजनीतिक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो सभी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ, आपका ये मंशा नहीं था राकेश टिकैत या जो किसान नेता था उनकी ये मंशा नहीं थी कि सरकार को कैसे झुकाना, उनको कैसे अस्थिर करना, उनका उनका मकसद ये होना था या उनकी जो नीयत थी वो ये थी कि सवाल खड़े करने, कृषि
कृषि कानून का विरोध करना, लेकिन आज के किसान आंदोलन किस और है? आज किसान आंदोलन सिर्फ इसलिए है कि हमको किसी न किसी तरीके से सरकार के सामने डटे रहना, सरकार को ये बताना है कि हम आपके सामने झुक नहीं रहे। अलग अलग राज्यों में जो महापंचायत हो रही, लक्ष्मी आप ये देखिए कि उन महापंचायतों में किन मुद्दों पर बातचीत होती है। अब पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, अब महंगाई की बात हो रही है, अब उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है जो हर वो सामान्य इंसान बात करता है, लेकिन अब उनके जबान से कृषि बिल विरोध की बातचीत नहीं निकलती है। अब उनके जबान से कृषि बिल के तीनों बिल जिनके लिए लगातार वो सवाल उठाते थे शुरुआती दो तीन सप्ताह में, अब वो नई जबान से निकल रहा है। इसका साफ मतलब है कि वो अब अपना एक कैडर प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और वही आपको गाजीपुर में नजर आएगा। उनके ही लोग ज्यादा नजर आएंगे, वही लोग नजर आएंगे जो उसी वेशभूषा में नजर आते हैं जिस तरीके से राकेश टिकैत नजर आते हैं। जी जी, नेहा आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां श्वेता है और उनके पास एक बड़ी खबर है। श्वेता जी, रमन आपको बता दें सुपर एक्सक्लूसिव खबर पश्चिम बंगाल से इस वक्त जो आ रही है कि पश्चिम बंगाल में अब बंग की जंग तेज होती जा रही है। बीजेपी जो है, बीजेपी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में 1500 रैलियां चुनाव में करने वाली है। छोटी बड़ी रैली को अगर मिलाकर बात करें तो 1500 रैलियां जो है बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में करने वाली है, यानी कि पूरा दमखम जो है बीजेपी की तरफ से लगा दिया जाएगा। लगातार हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, लगातार तमाम जो ये लीडर्स हैं वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। और पश्चिम बंगाल आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है असम के बाद पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से देखिए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, कमान संभाल रखी है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं चुनाव के ये दिन, कह सकते हैं कि 1500 रैलियां, अब इससे अंदाजा लगाइए कि 1500 रैलियां जब की जाएंगी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से, तो हर उस कोने को टच करने की कोशिश की जाएगी कि पूरे पश्चिम बंगाल को कवर कर लिया जाए और पश्चिम बंगाल की जनता के बीच वो मैसेज पहुंचे जो बीजेपी पहुंचाना चाहती है। परिवर्तन के बयार जो है वो बह गई है, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। और जिस तरीके से ये रैलियां आयोजित की जा रही है, इन रैलियों के जरिए बीजेपी जो है उस परिवर्तन की जो बयार बही है उसे कहीं ना कहीं वोटों में तब्दील करने की कोशिश जरूर करेगी। रमन हाँ बिल्कुल श्वेता, लगातार रैलियां हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, प्रधानमंत्री मोदी की भी आज रैली है और पूरा तूफानी दौरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है बंगाल में और पूरी कोशिश है कि टीएमसी को वहां से हटाया जाए, ममता दीदी के किले में सेंध लगाई जाए और उसी के लिए लगातार सौगात भी है और तैयारी भी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। एमएसपी की डिमांड करना देशद्रोह कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह नहीं, राजद्रोह कभी देशद्रोह नहीं हो सकता। तो राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना देशद्रोह नहीं है, राजद्रोह देशद्रोह नहीं हो सकता। तो टिकैत ने बयान दिया, तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे किसान नेता राकेश टिकैत का ये बहुत बड़ा बयान, एमएसपी की डिमांड करना देशद्रोह कैसे हो सकता है। लेकिन बात यह है कि एमएसपी की बात तो अब होती नहीं है, बातचीत से पीछे जा चुके हैं और इस वक्त सुनिए क्या कहा उन्होंने। अगर ये कह दिया कि धान की कीमत कम है तो देशद्रोह हो गए, ये राजद्रोह तो हो सकता है, जो किसान है या कोई भी है वो राजद्रोह तो हो सकता है, राजद्रोह का मतलब देशद्रोह नहीं है। कि हमने अगर सत्ता के खिलाफ कोई चीज कह दी कि हम देश के खिलाफ हम होंगे, वो नहीं हो सकता। आगे भाई, अब आपको बताते हैं कि कैसे टिकैत को जेवर के किसानों ने बेनकाब कर दिया है। आपने जिस खेत को तैयार किया है, ये फसल अब आपकी लहला रही है, आप इसको बर्बाद कर दोगे? नहीं करेंगे जी, हा? नहीं करेंगे। राकेश टिकैत तो कह रहे बर्बाद कर, अरे राकेश टिकैत कहने क्या है, राकेश टिकैत जो बिजनौर में किसान ने ट्रैक्टर से रौन दिया, क्या है वो? उसके अपने आदमी है वो, उनको पैसा देते हैं, पार्टी पैसा दे रही है। अच्छा, जानबूझ कैसा करवाया? जानबूझ करवा रहे, पाकिस्तान से फंडिंग से पैसा आ रहा है इनके पास। ये फसल को तुम लोग बर्बाद करोगे क्या? नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। आपके किसान नेता वो कहते हैं, राकेश जी कहते हैं हम किसान नेता जो कहेंगे पूरा का पूरा किसान मानेगा, ऐसा है क्या? नहीं करेंगे जी, नहीं, उनके बहकाव में क्या अपनी फसल का मेहनत लगी है, जरा बताओ जरा कितनी मेहनत लगी है? वो पानी लगाते आए कि नहीं, जब पता पड़ती हूँ ना। ताऊ ये क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत के, आप अपनी खेत फसल बर्बाद कर दीजिए? अरे उधर बाद धना रो के बाद करा रहे थे, तो कहेगो जब धने को आ जाएगा, अच्छा किसान है दो दो चार चार बीघे खेत है, उजार के बैठ जाएंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो आप मानेंगे उसकी बात? ना जी, हम तो ना मानेंगे, कहीं सौ बार कहू। टिकेट कर क्या रहे ऐसा, क्या क्यों? डकैत है जी, एक किस्म का डकैत, डकैत ना डकैत है।
हाँ जी किसानों के मसीहा बने बैठे हैं। नहीं ये चिम्मल घाट को टकेत बनो आप अपनी फसल बर्बाद करेंगे। हम क्यों करेंगे जी उसके कहने से बर्बाद, जिसमें हमने 6 महीने तक लागत लगा रहे हैं, उसे उगा के इतनी बड़ी करी है, बाल आ रही है उसमें, आज हम उसे जोत देंगे उसके कहने से, क्यों जोतेंगे? आप मानेंगे राकेश टिकेत की? नहीं मानेंगे जी, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये तो कह रहे कि मैं तो किसानों का मसीहा हूँ, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरी बात सुनता है? कोई नहीं सुनता जी, उसके जो अपने लोग हैं बस वही सुनते हैं। खेत जोतवा दिया इसने टिकेत ने अपने आदमी से, और वो वीडियो वायरल कर दिया कि हाँ हमारे किसानों ने खेत जोत दिए हैं। एक भी किसान खेत जोतने वाला नहीं है यहाँ। ये गांव फलेदा है, आगे पला का है, करौली है। मैं आपको जी हिंदुस्तान का पूरे 4-5 गांव है इनका सर्वे कराऊंगा। एक भी आदमी खेत जोतने के लिए अगर कह देता है तो मैं टिकेत का गुलाम बन जाऊंगा। वो किसान है, उसने राकेश टिकेत ने उसे पैसे दे दिए लालच में, उसने खेत जोतवा दिया। अच्छा जी, नहीं नहीं हम नहीं सुनना चाहते। तो राकेश टिकेत तो कह रहे वो किसानों के मसीहा है, वो जो बोलते हैं सब सुनते हैं। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कोई किसानों के वो मसीहा पसीहा कुछ नहीं है, यहाँ सब किसान है हम। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो राकेश टिकेत बोल रहे हैं। अब दो बार को हम तोड़ कर देंगे, धन में लोग उभरते पैसा और रोज को। आप करोगे अपने फसल को बर्बाद? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा कब भी नहीं कर सकते। तो बता रहे थे कि आपको पैसे भी दिए गए थे आंदोलन करने के लिए। दिए गए थे? हाँ पहले दिए गए थे। नहीं गए कहा? फिर हम नहीं गए। नहीं गए जी, पैसे वापस कर दिए। पैसे वापस कर दिए, पैसे वापस कर दिए जी साहब। सुन रहे हैं किसान को, ये वो अन्नदाता है जो खेतों में इस वक्त मौजूद है। वो कह रहा है कि पैसे दिए गए थे लेकिन हम वहां नहीं पहुंचे। इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे सहयोगी श्वेता के पास न्यूज रूम में, वो इस वक्त मौजूद है। श्वेता क्या कुछ बड़ी खबर आपके पास? आपको बता दें कि कृषि कानून पर नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान एक बार फिर से दिया है। एक बार फिर से उस बात को दोहराया है नरेंद्र सिंह तोमर ने कि जिद पर अड़े रहने से बात नहीं बनेगी, आंदोलन से बात नहीं बनेगी, बात तो चर्चा से बनेगी। ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। नरेंद्र सिंह तोमर बार बार चर्चा के लिए किसानों को कह रहे हैं लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने इस बात को दोहराया कि जिद पर अड़े रहने से बात नहीं बनेगी, चर्चा से बात बनेगी और कृषि कानून वापसी हो, इसकी जगह आप संशोधन बताएं। क्या संशोधन करना है? सरकार संशोधन करने को तैयार है। यानी एक तरफ देखिए कि आंदोलन की धार तेज करने की कोशिश राकेश टिकैत की तरफ से, दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि बात तो सिर्फ चर्चा से ही बनेगी। देखिए दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे उससे क्या होगा? कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको, हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करने को भी तैयार। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत के बहकावे में आए नकली किसान, कुछ किसानों ने अपनी फसल को किया बर्बाद। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राकेश टिकैत के बहकावे में तमाम किसान आए हैं, कुछ किसानों ने अपनी फसल को बर्बाद कर दिया है। खेत में खड़ी अपनी फसल को ट्रैक्टर से रौंदा है, तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको। टिकैत ने फसल जलाने के लिए इनको उकसाया था, अपनी फसल खराब करने के लिए उकसाया था, जिसका असर ये हुआ कि कुछ किसानों ने बिजनौर में, ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अपनी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है। तो टिकैत ने फसल जलाने के लिए कहा और किसानों ने, कुछ किसानों ने अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला दिए, तो ये बेतुकी सलाह थी जिसका असर कुछ लोगों पर पड़ा और उन्होंने अपनी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। हालांकि ज्यादातर किसानों का कहना है कि वो ऐसी बेतुकी सलाह बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि किसान जब अपनी फसल उगाता है तो वो उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करता है और अपना खून पसीना बहाता है। और नेहा इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा देखिए किस तरीके से मुजफ्फरनगर बिजनौर में किसानों ने अपनी ही फसल को बर्बाद किया है, ये कौन सा भला करा रहे हैं राकेश टिकैत किसानों का?
देखिए लक्ष्मी, लगातार आप समझिए कि अगर यहाँ गाजीपुर अब बिल्कुल सन्नाटे में है, ठीक है, वहां पे कुछ किसान अगर है तो वो बुजुर्ग किसान है, यानी कि उनकी मानसिकता क्या होगी, उनकी ये मानसिकता होगी कि राकेश टिकैत हमारे नेता है, उन्होंने जो कहा हम मानते हैं। ठीक उसी तरीके से चाहे मुजफ्फरनगर हो चाहे बिजनौर के, वो लोग होंगे जो राकेश टिकैत को अपना नेता मानते होंगे और वो ये सुन लिए और ये उन्होंने ये मान लिया कि हमारे नेता ने कहा है कि खड़ी फसल को आग लगा दो तो हम उसको नष्ट कर देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में वैसे लोग भी हैं जो सीधे हैं, सच्चे हैं, भोले हैं, उनके लिए सही नेतृत्व तो जरूरी है, सही दिशा जरूरी है, और राकेश टिकैत अब लोगों को दिशाहीन कर रहे हैं और गलत नेतृत्व की ओर बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं वो ये बात करते हैं कि हम अभी भी सरकार से संवाद करने के लिए तैयार है, वो ये क्यों नहीं कह रहे हैं हाँ किसानों को सब्सिडी मिली है, उन्होंने कभी किसानों के लिए जो सरकार ने स्कीम्स लाए थे उसके बारे में उन्होंने आज तक चर्चा नहीं की है। क्या किसानों को कोई फायदा नहीं मिला? क्या देश भर के और राज्यों के किसान क्यों नहीं उनके साथ आए? इसका अगर उनसे सवाल करो तो वो टाल के जाते हैं। इसके लिए राकेश टिकैत क्यों नहीं बोलते? ये तमाम सवाल है जो राकेश टिकैत के सामने है और वो आम लोग भी उनसे पूछ रहे हैं। सिर्फ किसान ही क्यों, वो सभी आम लोग जो उनकी वजह से यहाँ परेशानी झेल रहे हैं। सड़कों को बंद करके रखा है, अभी हमने वो सड़क दिखाई जो सन्नाटा है, वहां गाड़ियां आ जा सकती है, हालांकि कुछ गाड़ियां आना जाना शुरू कर दी क्योंकि टेंट के बीच में जगह बन गई, लेकिन जो रास्ता डाइवर्ट किया गया उससे आम लोग कितना ज्यादा परेशान है, कितनों की आय बंद हो गई, कितनों की आमदनी पे असर हुआ। राकेश टिकैत और सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी श्वेता के पास एक और बड़ी खबर है। श्वेता, रमन, आपको बता दें इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के सोनीपत में, राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होने वाले हैं। जी हां, राकेश टिकैत एक बार फिर से महापंचायत में महाप्रपंच जो है वो करने वाले हैं। आपको बता दें महापंचायत में आज राकेश टिकैत शामिल होंगे और जिस तरीके से नेहा रिपोर्ट दिखा रही है कि गाजीपुर में किसानों की संख्या घट रही है और इसलिए महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ऐसे ऐसी बातें कहते हैं, बेतुकी बात कह सकते हैं, ऐसे ऐसा आह्वान करते हैं जिस पर खुद उनके ही किसान जो है वो वीडियो बनाकर वायरल करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बहुमत उनके साथ है। लेकिन असल मायने में अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत महापंचायत में सिर्फ और सिर्फ संख्या बल जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। रमन, बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं टिकैत का महापंचायत वाला महाप्रपंच, जिसमें अलग अलग जगह पर उन्होंने जाकर पंचायतें की, किसानों को बहलाने की कोशिश की, लेकिन अब बात किसान आंदोलन की नहीं होती है, बात किसान हितों की नहीं होती, ये पूरी कवायद अपनी खो चुकी जमीन को तलाशने की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े किसान नेता बनना चाहते हैं और शायद इसीलिए महापंचायत है, महाप्रपंच है, लेकिन किसान की बात नहीं है। देखिए रमन, ये सिर्फ किसान नेता बनने की ही चाहत नहीं है। आपको याद होगा कि दो बार अपनी किस्मत सियासी मैदान में आजमा चुके हैं राकेश टिकैत, तो दोनों बार दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपना चेहरा चमकाने की ये कोशिश है। और बिल्कुल इसी खबर से जुड़ी हुई खबरों पर आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं गाजीपुर बॉर्डर का, जहां हमारी सहयोगी नेहा है और उनके पास एक बड़ी खबर है। नेहा जी, देखिए रमन, बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, कल राजस्थान के सीकर में किसानों की महापंचायत दोबारा, संयुक्त किसान मोर्चा का सीकर के 800 गांवों को न्योता दिया गया है, 100 वॉलंटियर्स को पंचायत में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी, राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे। देखिए रमन, मैं आपको बता रही हूँ खुद गाजीपुर संभल नहीं रहा, गाजीपुर में भीड़ वो जुटा नहीं पा रहे, तो वो आप करें क्या, राज्यों में वो जा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में वो जा रहे हैं भीड़ को लाने के लिए। अब राजस्थान के सीकर की बारी, जहां 800 गांव को न्योता दे दिया गया है, 100 वॉलंटियर बनाए गए जिनकी ये जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को लेके आओ, यानी तुम भीड़ जुटाओ। ये साफ सियासी चाल राकेश टिकैत का सीधे और साफ तौर पे, क्योंकि अब उनको देश भर के लोगों को अवगत कराना है कि वो क्या है और वो क्या बोल रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब अब नहीं बचा है कि देश के किसानों की क्या समस्या थी, क्योंकि सवाल किसानों के वो उठा ही नहीं रहे। अब सवाल ये उठ रहा है कि किस तरीके से सरकार को नीचा करना और सरकार को झुटलाना है। उसी के फेर में एक और महापंचायत राजस्थान के सीकर में, जहां 800 गांव को न्योता दे दी गई है और 100 वॉलंटियर्स का चयन हो गया, जिनकी जिम्मेदारी अब ये होगी कि तुम भीड़ लाओ सीकर के उन महापंचायत में जहां राकेश टिकैत खुद को किसान नेता कहने वाले अब नेता बन गए हैं, और वहां पे एक बार फिर से वो अभिनय का परिचय देंगे उन 800 गांवों के लोगों को संबोधित करके। रमन, तो बिल्कुल ये महापंचायत का प्रबंध लगातार जारी है और जैसा कि नेहा बता रही थी, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है जहां पर राकेश टिकैत ने आंदोलन शुरू किया था और बाकी जगह वो पंचायत पंचायत घूम रहे हैं और इस आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी लगातार राकेश टिकैत
अपनी सियासत चमकाते रहे। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से 18 फरवरी को भी उन्होंने महापंचायत में शामिल होकर अपना प्रदर्शन दिखाया। कभी पैदल मार्च किया तो कभी आंसू भी बहाते हुए नजर आए, घड़ियाली आंसू थे किसानों के लिए। कभी टीचर बनकर किसानों को पढ़ाते हुए भी नजर आए हैं, कभी सड़क पर कैसे खाना खाया जाता है ये भी देखिए, यानी कि हर एक पल कैसे तस्वीर बदलते हैं राकेश टिकैत, वो तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में सोनीपत में राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, हिंदुस्तान पर खबरें चलती रहेंगी।